हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिरोमय और आप देख रहे हैं बिहार साउंड। दोस्तों, आज भी क्या है अपना बायो कमेंट है, उसके ऊपर क्या है? अभी आजकल यही कमेंट चलना शुरू हो गया है कि सर जी मेरा क्या है एम्पली ये ओवरहीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, ये है, आपका ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, कोई तो बोला है कि मेरा एम्पलीफायर क्या है NH-Audio का, ये एम्पली है और ये गर्म हवा दे रहा है और इतना गर्म हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। और कोई बोलता है एनलेब्स का एम्पली ऐसा है, मेरा भी ऐसा हीट हो रहा है, और कोई बोलता है SLB का एम्पली ऐसा है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, कैसे चलाते हो, मुझे उतना तो नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ से क्या है आप लोग बताने से मैं जज करके नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कंडीशन में बता सकता हूँ और कैसे चेक करे बता सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें मैंने जिन भाइयों को क्या है बिल्कुल अंदर की पार्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, और जो क्या है मेरे तरह थोड़ा बहुत खोलना जोलना भी नहीं आता है, तो वो लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो उसको हिसाब में बताने की कोशिश करूंगा, और जिसको जो थोड़ा बहुत खोलना जोलना आता है तो किस हिसाब से अंदर के हिसाब में कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या है आप लोग को अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों लास्ट तक वीडियो बने रहना, और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे वीडियो के ऊपर। मुझे पता है कि मेरा वीडियो क्या है उतना ज्यादा तो व्यूज नहीं आते, लेकिन क्या है जब अपना वीडियो क्या है व्यूज तो उतना नहीं है, लेकिन क्या अपना व्यू ड्यूरेशन दोस्तों देखते तो क्या है दिल इतना खुश हो जाता है कि कम ही सही मेरे वीडियो के इतना लोग इतना प्यार दे रहा है मेरे वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या थोड़ा बहुत जोश मिल जाता है अपने को वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों क्या समय को अभी इतना नहीं लेते हुए अभी सीधा चलते अपने एम्पली को ही आप लोग आपके क्या है अभी पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे दिखा के आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अभी वीडियो को अभी शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम क्या है एम्पली के ऊपर आ गया है। वैसे तो क्या है इसके ऊपर कहा जाए तो क्या हीट होने का दोस्तों कई रीजन हो सकता है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा मैन्युअली जो बाहर अंदर ना खोल के बाहर से कैसे चेक करेंगे, ठीक है। जो होता है नॉन टेक्निकल जो होता है वो उसको खोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो बाहर से कैसे चेक करेंगे। तो पहले बात है दोस्तों क्या है ओवरहीट होने का दोस्तों रीजन ये भी हो सकता है कि जो ये जो जाली जो है ना, ज़्यादा मैं ज़्यादा लंबा तो डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या है ये जाली जो होता है कि हर एम्पली में 80% एम्पली में क्या है ऐसे जाली होता है, ठीक है, 80 नहीं 90% में बोलूँगा, क्योंकि ये जाली क्या है ये धूल मिट्टी नहीं जाने के लिए दिया है क्या है मुझे उतना समझ नहीं आया, लेकिन हाँ हवा अंदर से खींचता है तो क्या ऐसे देना चाहिए था, लेकिन यही नहीं मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है हर एम्पली में ऐसा ही मिलता ही है जाली ऐसे देता है, लेकिन ये तो क्या ओपन दे रखा है इसलिए आपको ईजी दिखा पा रहा हूँ मैं, ठीक है, हर एम्पली में ऐसे ही होता है। लेकिन क्या है दोस्तों क्या ये क्या करते हैं ये गंदा होने के चलते क्या दोस्तों, अभी से देखो कितना धूल निकल रहा है आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, देखो क्या ये गंदा होने के चलते क्या है दोस्तों हवा क्या है पार नहीं हो पाते। ज़्यादातर एम्पली में होता क्या है कि यहाँ से हवा लेते हैं, यहाँ से हवा लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या है आपको दिखाने पा रहा हूँ यार, देखो दोस्तों यहाँ से क्या पीछे से हवा लेते हैं, फिर चूस के क्या है कहाँ फेंकता है ये आगे फेंकता है, फिर ये इस यहाँ पे जितना में गर्माइश है उसको लेके क्या ये बाहर से यहाँ से निकाल लेते हैं। दोस्तों क्या है जब निकाल लेता मैं जब ये ब्लॉक है तो हवा कहाँ जाएगा, हवा देखो दोस्तों जाने के लिए कोई जगह नहीं है, अब मैं आप लोग दिखा रहा हूँ, देखो हवा जाने की कहीं जगह नहीं है। आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बताओ जो दोस्तों क्या है एक बोटल जी ना एक कास्ट की बोटल जो हो या प्लास्टिक बोटल हो उसके सामने क्या है कपड़ा नहीं है पेपर का जो गोल करके उसको बोटल के मुंह में रख के दोस्तों फूको, वो पेपर जो अंदर जाएगा वो बाहर ही उल्टा चला जाएगा, ठीक है दोस्तों यही हिसाब है। जब इधर से ब्लॉक है जब इधर से ब्लॉक है तो दोस्तों हवा जितना फेंक लो अंदर नहीं जाएगा वो बाहर ही उल्टा चला जाएगा, तो उससे क्या होता है कि एम्पली गर्म होने का चांस ज़्यादा रहता है। और दूसरा रीज़न ये भी मैंने कई बार देखा है जब एम्पली वगैरह प्ले करते हैं जब बजाते हैं दोस्तों उसमें क्या है कि पीछे बिल्कुल गैप नहीं देता है, ठीक है, पीछे गैप नहीं देता है दोस्तों, क्या गैप ना देने के चलते भी उनको हवा ना मिलने से गर्म भी होने का चांस ज़्यादा रहता है। और फिर आते हैं अभी दूसरे पे तीसरे पे, तो दोस्तों क्या है ये है BLDC टाइप का फैन, ठीक है, ये सेम BLDC टाइप फैन है ये, जैसे कि क्या नाम बोलते छोड़ो उतना गहरे भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ कुछ फैन ऐसा है कि जब हम चलाते हैं, ठीक है, जब हम चलाते हैं तो गर्म होने पर क्या है ये स्लो चलना शुरू हो जाता है, और जब नॉर्मल में क्या है अच्छा खासा चल जाता है दोस्तों, उससे भी क्या होता है कि एम्पली हीट होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये भी देखना कि कहीं इसके अंदर जाम तो नहीं है, तो आप यदि आपका एम्पली गर्म हो रहा है एक साइड गर्म हो रहा है तो क्या है आप लोग ऐसे चेक करना है एक डंडा लेके स्क्रू ड्राइवर लेके हल्का हल्का घुमा देखो टाइट तो नहीं है ये, ठीक है, ये क्या है BLDC टाइप का दोस्तों क्या उतना ज़्यादा ये नहीं होगा, ठीक है।
तो क्या है, इसको घुमा के देखना कहीं टाइट तो नहीं। और ये भी होता है कि कुछ कुछ ये जो है अपना पंखड़ी टूटे हुए मिलता है, कहीं पंखड़ी कम तो नहीं दोस्तों, उसको भी गिनती करना है। पंखड़ी कम होने से भी हवा उतना अच्छा प्रेशर नहीं मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, 4-5 पॉइंट है जो बाहर से हम चेक करने के लिए, ठीक है। ये है नॉन टेक्निकल वालों के लिए, और उसके अलावा तो और कुछ चारा नहीं है जो नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है। और हाँ, अभी हम आते हैं टेक्निकल वाले के लिए, ठीक है। तो अंदर क्या है दोस्तों, अंदर देखने के तो अंदर में क्या कई प्रॉब्लम बोल सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैं शॉर्ट शॉर्ट बोलूंगा दोस्तों। आप लोग उसमें क्या थोड़ा बहुत एडजस्ट करके समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्या है, गर्म होने का कई रीजन है, उतना रीजन नहीं बोलूंगा, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो इसलिए क्या अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट बोलने वाला हूँ दोस्तों। ये क्या है देखो, अभी आप लोगों को दिखाई बताए थे क्या है, गर्म होने पर भी ये क्या कुछ कुछ क्या है, फैन स्लो चलना शुरू रहता है दोस्तों। जब ये जो है, ये है अपना गर्माइस का सेंसर बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो उससे क्या है, सेंसिंग करके क्या वो पहले कहाँ देता है, कितना गर्म हो गया, क्या नहीं क्या नहीं है, तो उसके बाद फिर वो फैन उसी हिसाब से घूमता है। जब ये काम करना बंद करता है दोस्तों, क्या है जैसे स्टार्टिंग में है तो लास्ट में भी वही स्पीड घूमता है, वही स्पीड घूम से क्या होता है कि फैन अपना प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है, उसलिए चले गर्म भी हो सकता है। और ये हो गया पहला वाला दोस्तों। और दूसरा क्या है, क्या नाम बोलते हैं, हाँ ये तो हो गया। और फिर दोस्तों ये जैसे कि ये देखो, आप लोग देख रहे होंगे ये जो हो गया है, छोटा एम्पली है, तो इसी चलते क्या है, इसका रेजिस्टेंस पता नहीं कितना वाट दे रखे होंगे, जो ये जो नहीं है, ठीक है। तो को कुछ कुछ जो हैवी एम्पली होता है, तो उसमें क्या है दोस्तों, 10 वाट हो गया, 5 वाट हो गया, ऐसा वाट दिया होता है इसमें। जो ये जो रेजिस्टेंस जो है, जो अपना ये जो सीमेंट टाइप का जो रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, तो उस जब दिया रहता है दोस्तों। ये क्या है, हल्का फुल्का लूज में भी अपना जो क्या नाम बोलते हैं, वो जो लूज पे भी क्या है, ये ओवरहीट होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये भी जैसे कि, और ये भी है दोस्तों ओवरहीट होने का, तो दोस्तों कई रीज़न है, अभी मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ उतना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपने हिसाब से एक दो और पॉइंट ऐड करने के लिए दोस्तों। ये जो है अपना क्या नाम बोलता है, ये है अपना कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों। ये जो कैपेसिटर है उसमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है अपना 8, ठीक है। 8 कैपेसिटर में कहीं हम क्या है, मूविंग में कहीं उठा पटक में क्या है, कहीं तार लूज हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है दोस्तों। क्या इसमें मान के चलो कि 8 है, 8 में क्या है, चार काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कहीं कोई शॉर्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, नट नोट निकल के चलो लेफ्ट राइट हो गया है, ठीक है। तो ये शॉर्ट होकर जब ये चार दोस्तों आउट होता है दोस्तों, उसमें भी क्या है, ये चार ही कैपेसिटर काम कर रहा है, तो क्या है दोस्तों, जितना स्टेबलाइजर से, जितना ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज इन हो रहा है, तो क्या अनस्टेबल हो गया जब यहाँ तक पहुँच जाता है बोर्ड तक, ठीक है। तो उसमें क्या, तब भी क्या है दोस्तों, ओवरहीट होने एम्पली क्या है, हीट होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, और कुछ पॉइंट और मैं कुछ पॉइंट और आप लोग को बता दूँ तो दोस्तों, पॉइंट तो बहुत है और दिमाग में भी काम नहीं कर रहा अभी, अच्छा ठीक है। हाँ, उसके लिए हाँ, जब ओवर हीट होता है तो दोस्तों क्या है, उसका रीज़न कैसे पकड़े, तो अभी हम उसी पे चलाते हैं, इलाज के ऊपर हम आ जाते हैं। पॉइंट तो क्या है दोस्तों, बोलते जाओ, पॉइंट कोई कमी नहीं है। तो क्या इलाज हम कैसे करें, ये है अपना टेक्निकल लोगों के लिए, ठीक है। तो इलाज करने का तरीका दोस्तों यही है कि अपना यहाँ से प्रॉब्लम है या यहाँ से प्रॉब्लम है, अभी को कुछ पता ही नहीं है, तो उसके ऊपर तो क्या, आप पल्टी मारोगे तो आप लोग पता चलेगा उसमें क्या। पहली बात तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, ख़राब होगा तो उसका जो प्रिन वगैरह में हो सकता है, कहीं तार में लूज हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ही आता है। तो उसमें आप कैसे चेक करोगे, यदि आपका गर्म हो रहा है तो, यदि एक साइड हो रहा है तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। दो साइड में, यदि दो साइड ही एक ही बार में मतलब एम्पली गर्म हो रहा है दोस्तों, क्या है पावर सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यदि आप लोग का क्या है, एक साइड गर्म हो रहा है तो आपको खोलना क्या है, खोलने के बाद जैसे कि अच्छा खासा लोड देके, जैसे कि मान के चलो कि ये जो अपना 2 ओम्स में 4 ओम्स में क्या है 1400 वाट देने वाला है, तो क्या है उतना ही लोड आप लेके चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, 20-15 मिनट खोल के चलाना है, ठीक है। चलाने के बाद आपको क्या करना क्या है, जो एम्पली जो ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, ठीक है। चलो अभी अभी फिर एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, ये देखो अपना ये कितना ट्रांजिस्टर है, ये दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है 8, ठीक है। ओवरहीट होने का रीजन मैं बता रहा हूँ, विद वन साइड है तो, ठीक है। तो जब हम चलाएंगे 8 ट्रांजिस्टर में जो जितना ओम्स में जो कितना वाट उठा पाता है, 8 में से दोस्तों क्या है, ये 3 काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। 3 काम करना बंद कर दिया है, तो दोस्तों लोड किसके ऊपर आ गया, लोड क्या है 5 के ऊपर आ गया। तो इससे होता क्या है कि पहले बात तो क्या है, उतना क्लिप आपको देगा नहीं, क्योंकि वोल्टेज उसको मिल रहा है, ठीक है, क्लिप देगा नहीं। और डंपिंग वगैरह क्या आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा, फोर्स जो बोलते हैं ना, प्रेशर उतना नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्योंकि 3 भाइयों ने काम करना छोड़ दिया है, तो क्या अभी काम कितना कर रहा है, 5 भाइयों से काम कर रहा है, तो उसमें क्या है 5 उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बोले उतना प्रेशर आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन ये उससे भी
ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उससे भी क्या है, टेंडेंसर क्या है, आउट पे भी गर्म होता है और ये वगैरह आउट पे भी, जैसे कि ये जो अपना जो बोला है मैं आपको, ये भी आउट पे भी दोस्तों गर्म होता है। ठीक है, और हाँ, तो पकड़ेंगे कैसे, यदि आपका पूरा ही सिस्टम गर्म होता है तो दोस्तों क्या है, रीजन लूज कनेक्शन हो सकता है, उसके बाद आपका जो कैपेसिटर जो नहीं है, कैपेसिटर वगैरह भी इससे भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो ये जो कनेक्शन है, ये तो ट्रांसफार्मर तो उतना जल्दी पहली बार तो जाता नहीं है, आपका कनेक्शन को देखो दोस्तों, कनेक्शन को खोल के जब कनेक्शन जब अपना मैन कनेक्शन जो कमज़ोर होता है, तो दोस्तों क्या एमपी क्या थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, और ये भी हो जाता है, और उसकी बात इससे भी होता है, कैपेसिटर्स भी होता है। ठीक, कुछ कैपेसिटर काम ना करने पर भी एमपी गर्म होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया है, जो प्रॉपर ही पूरा ही जब करेंगे, जब पूरा ही सिस्टम ही मतलब आपका ओवरहीट हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, यदि एक साइड में आपका एम्पलीफायर ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आप करेंगे क्या, या आप लोग का दोस्तों ये क्या है, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो क्या अभी उसको आप करेंगे क्या, तो पहले बात तो क्या है, यदि जिसकी मैं देखो ये आप 4 ओम्स में या 8 ओम्स में बोल लो, जितना लोड ये चला सकता है उसको चलाना है, चला के कितना चलाना है आपको, 15-20 मिनट चलाना है, वो 15-20 मिनट चलाने के बाद फिर तुरंत आपको खोल, पहले बात तो क्या है, खोल के इसको पूरा खोलने पर हल्का ढक के फिर चलाना है, जब आपका हो जाता है 15-20 मिनट हो जाता है दोस्तों क्या, उसको बंद करके तुरंत निकाल देना है, तो आप उसको क्या है चेक करना है हाथ से हल्का फुल्का चेक करना है। ठीक है दोस्तों, जो बिल्कुल ही गर्म है, क्या नाम बोलते हैं अपना, जो ट्रांजिस्टर बिल्कुल ही ठंडा है, तो दोस्तों वो क्या है, वो क्या करेगा, वो ट्रांजिस्टर क्या है, बिल्कुल ही आउट है आपका। ठीक है, बिल्कुल ही आउट है, समझ लो आप, उसके चलते वो ओवरहीट हो रहा है आपका। ठीक है, वन साइड की बात कर रहा हूँ मैं, और इन 5ों में से, जैसे कि इन 8ों में से जो ज़्यादा ही ओवरहीट हो रहा है, तो दोस्तों वो क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, और जैसे कि नॉर्मली कितना चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से दोस्तों आपको चलना है। कुछ कुछ ट्रांजिस्टर ऐसा भी होता है कि गर्म होता है फिर भी क्या है, काम अच्छा खासा कर भी लेता है, क्योंकि वो क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है, लेकिन उस चीज़ को आपको क्या है ध्यान रख के चलना है। तो दोस्तों क्या है, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा मेरे को ऐसा लग रहा है, तो क्या मैं अभी हम ज़्यादा टॉपिक को नहीं बढ़ाएंगे, ओनली फॉर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, BL7 की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप लोग मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है NS-OU भी हो सकता है, NLAB भी हो सकता है, उसके बाद स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोग को इससे भी होता है, जस्ट मैं आप लोगों को ये बोल के दिखाया हूँ। तो दोस्तों क्या है, अभी वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए और यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज़ बता दूं, जितना मैंने अभी जो बताए हैं उनमें से क्या है आप लोगों को समझ में आए हैं, मतलब वो जो खोल जोल के बारे में कुछ अता पता है दोस्तों वही लोग खोले, और नहीं तो क्या है आप लोगों का ये जो प्रिंट जो दिख रहा है, प्रिंट इसको बोलते हैं प्रिंट दोस्तों जी। ठीक है, ये प्रिंट क्या है, खराब करके बैठ जाओगे तो क्या है आप लोग को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, मॉडिफाइड में क्या है दोस्तों उतना हीट नहीं ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, जितना इसमें होता है कंपनी दिया होता है, ठीक है, उसमें जो हम तार तुर जो लेके रंग बुंग देके जो हम भर देते हैं उसमें क्या है दोस्तों उतना हीट नहीं ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए क्या है पता है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो दोस्तों पड़े को पड़ा रहने दो, खड़ा नहीं करना है। ठीक है, आप लोग उसी चीज़ के लिए मैकेनिक बैठा हुआ है, उसके बाद जाके पहुँच जाना। अब दोस्तों अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को क्या है गर्म कैसे होता है और क्यों होता है और कैसे चेक करना चाहिए और अंदर क्या क्या पार्ट के बारे में क्या है मैंने आप लोगों को अपने हिसाब से समझाया कि ऐसे चेक करो। ठीक है, तो उसमें क्या है आप लोगों का इंग्ली यदि गर्म होता है तो दोस्तों क्या पक्का उसमें चेक करना, यदि कोई गर्म नहीं होता है तो बेमतलब उंगली नहीं करना। ठीक है, तो हाँ कुछ भाइयों को भी क्या है मेरा वीडियो देखे क्या है शायद ऐसा ना हो कि मैं एक बार चेक कर लूँ। दोस्तों क्या है आप लोगों को कुछ पता नहीं है तो क्या है उसको खोल के मैं मत बैठ जाओ, क्योंकि उसमें क्या है थोड़ी सी चीज़ के लिए बहुत कुछ नुकसान करके बैठोगे। बिल्कुल नहीं पता है तो आप मैकेनिक के पास लेके चला जाओ, प्रॉपर देखा के लेके आ जाओ। लेकिन जो मैंने बताए हैं हर मैकेनिक तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ मैकेनिक ऐसा होता है कि 10 रुपये खराब होता है फिर 50 रुपये का अपना वो बता देते हैं। ठीक है, उसमें अपना वो मेहनत भी ऐड करने के बाद क्या काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन वो जो मैं आप लोगों को दिखाए हैं जस्ट एक ट्रांजिस्टर खराब हुआ है या कितना खराब हुआ है वहाँ तक क्या लगभग आपको जजमेंट के लिए ये चीज़ बताई है। ठीक है दोस्तों, क्या है अभी मैंने जो आप लोगों को जो करके दिखाई मतलब जो समझाने की कोशिश किया है वो है मेरा मेहनत, वो मेहनत क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों क्या वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना और इस तरह का वीडियो आप लोगों को देखते रहना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग मेरा वीडियो क्या है ऐसा नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये मेरा चैनल जो है बहुत बड़ा चैनल नहीं है, छोटा चैनल है,
मेरे हिसाब से जो भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो क्या है नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, लेकिन जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे मुझे पता है कि गलती से ही मिला होगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।